ने अपना मंतव्य दिया, अपना पक्ष रखा। आरजेडी से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। आरजेडी के साथ जाने की खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अभी वही हूं। पिछले 10 साल से बीजेपी के लिए मैं सोचता हूं, हर हाल में इस बार चुनाव जरूर लड़ूंगा। ये उन्होंने जरूर कहा कि भाई चाहे परिस्थिति जो भी हो, जैसी भी हो, चुनाव तो मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन आरजेडी के साथ जाने वाले कयासों पर उन्होंने अपने बयान के जरिए विराम लगाने की कोशिश की। संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। रजनीश, हाल के दिनों में जैसे ही आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ने की बात पवन सिंह कहते नजर आए, उसके बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि कहीं आरजेडी के संपर्क में तो नहीं है, आरजेडी से तो वो नहीं चुनाव लड़ेंगे। विभा, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जब से आसनसोल से टिकट मिलने की बात सामने आई, उसके बाद पवन सिंह ने इनकार किया था, तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। और कल ये चर्चा शुरू हो गई थी कि पवन सिंह जो है चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी के संपर्क में है और आरजेडी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन पवन सिंह ने अभी न्यूज 18 को फोन करके जानकारी दी है कि बिल्कुल भ्रामक और गलत खबर है, कहीं से ये हम लोग सोचे भी नहीं है कि आरजेडी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये जरूर कहा है कि लोकसभा चुनाव और इसी साल ये चुनाव लड़ेंगे और ये तय है कि बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब कहाँ से लड़ेंगे पवन सिंह ये अभी क्लियर नहीं बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि पार्टी के जो आला कमान है उनके संपर्क में है और बीजेपी ने अभी इनकार नहीं किया है। बीजेपी जब इनकार करेगी उसके बाद जो है पवन सिंह खुद फैसला लेंगे। लेकिन उन्होंने न्यूज 18 के जरिए साफ कहा है कि आरजेडी से जो चर्चा है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल भ्रामक और गलत खबर है और पवन सिंह जो है चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि पवन सिंह आरा सीट को लेकर दावेदारी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक बीजेपी में बात नहीं बनी है। शाम तक इंतजार कर रहा हूं कि आखिर बीजेपी का फैसला क्या है और पवन सिंह का फैसला क्या है। दीवा, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से तमाम जानकारी के।